हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के कितने एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उन प्लेयर्स के नाम जिन्होंने पिछले ही कुछ दिनों में ओलंपिक्स के लिए वेरियस इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। नंबर वन पे है एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक इवेंट्स के बारे में। ट्रैक इवेंट्स में सबसे पहले मेंस 400 मीटर हर्डल रेस के लिए MP जबीर ने क्वालिफाई किया है। उसके बाद वुमेन्स 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई किया है द्युति चंद ने। अब अगर बात करें रिले रेस की, तो मेंस 4x400 मीटर रिले रेस के लिए क्वालिफाई किया है मोहम्मद अनस, नोहा निर्मल, अमोज जैकोब और अरोकिया राजीव ने। उसी के साथ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस के लिए भी इंडिया की टीम ने क्वालिफाई किया है। अब अगर बात करें फील्ड इवेंट्स की, तो अन्नु रानी ने वुमेन्स जेवलिन थ्रो में और सीमा पूनिया ने वुमेन्स डिस्कस थ्रो के लिए क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं कुछ और इवेंट्स के बारे में, जिसमें गोल्फ के लिए मेंस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है उदयन मैने ने। अब अगर बात करें जिमनास्टिक्स की, तो जिमनास्टिक्स के अंदर वुमेन्स कैटेगरी में क्वालिफाई किया है प्रणीति नायक ने, और वहीं पे शूटिंग के अंदर स्कीट कैटेगरी में अंगद वीर सिंह और महिराज अहमद खान ने क्वालिफाई किया है। स्विमिंग के अंदर श्रीहरि नटराज ने मेन्स कैटेगरी में और मन्ना पटेल ने वुमेन्स कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं अपने लास्ट इवेंट टेनिस के बारे में। टेनिस के अंदर वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने क्वालिफाई किया है। तो गाइस, ये थी उन प्लेयर्स की लिस्ट जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।